आपके साथ खुशबू रहे। आज फिर आप लोगों के सामने एक नई पेशकश लेके आ रही हूँ। नई पेशकश मैंने इसलिए कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं बहुत सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार से आपको मिलवाऊंगी। फिर से एक स्टार के साथ मैं आप लोगों के सामने आ जा रही हूँ और उस स्टार का नाम है शिवेश मिश्रा जी। जी हाँ, शिवेश मिश्रा जी जो कि भोजपुरी के एक अच्छे खासे जाने माने गायक भी हैं, और सबसे बड़ी बात जो कि मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी, वो एक बहुत बड़े स्टेज परफॉर्मर हैं। अभी तक अपने जीवन में उन्होंने कोई भी ऐसे बड़े कलाकार नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री के जिनके साथ स्टेज शेयर नहीं किया है। लगभग सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े से बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने स्टेज शेयर किया है, और आज हमारी बातचीत उनसे होने जा रही है। आज उनसे पूछेंगे और जानेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। उससे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपने बारे में और अपने कैरियर के बारे में थोड़ा सा। लाइव लॉन्ग न्यूज़ जितने भी चैनल आप लोग देख रहे हैं, फॉलो किए, ज़रूर इस चैनल को और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और सबसे बड़ी बात कि मैं अपने ज़िंदगी के बारे में क्या बोलूँ। हमने ज़िंदगी में बहुत कठिन परेशानियों का सामना करते हुए यहाँ तक का सफ़र तय किया, और ये भी अभी कुछ नहीं है। हमने तो अभी मुट्ठी भर जमीन नापी, अभी तो पूरा आसमान बाकी, अभी तो बस शुरुआत है। आप लोगों का आशीर्वाद प्यार रहा, आप लोगों का भी साथ रहा, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और कुछ मेरे बारे में। अच्छा, आपने अपने लाइफ में सिंगिंग आपका करियर रहा है, तो कि कौन सा ऐसा सॉन्ग था जिस दिन आपको लगा कि हाँ ये सॉन्ग हमारा हमको आगे तक ले गया, मतलब स्टार्टिंग का सबसे उस खास सॉन्ग को बताइए जिस जब आपको पहली अच्छी अचीवमेंट मिली थी। जब सबसे पहला मेरा एक सॉन्ग हिट हुआ था, लगभग 22 मिलियन लोग देखे उसको, तो वो गाना था मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल जाऊंगा, इश्क का रोग नहीं है, इश्क का रोग नहीं दिल को अब लगाऊंगा, मैं तेरे बाद मोहब्बत को भूल। इसलिए हमको हंसी आ रही है कि आखिर दिल हमारा भी टूटा, थोड़ा सा हंसी आ रही है कि उस इंसान को जो दिल तोड़ा जिसने, वो दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, दिल तोड़ दिया तूने बेवफा, शिवेश को गरीब जान के, शिवेश को गरीब जान के, वो वादे दिए तूने प्यार के भुला, वो वादे दिए तूने प्यार के भुला, है मुझको गरीब जान के, है मुझको गरीब जान के। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कभी कभी ये सॉफ्ट भी हो जाता हूँ कि आखिर ज़िंदगी में कितनी सारी तकलीफें परेशानियों का सामना करना पड़ा मुझे। मैं कलाकार हूँ और कलाकार के जीवन में कई सारे एक से एक लोग आते रहते हैं। ये दुनिया है, और एक बात है कि ये दुनिया मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है। आप लोगों के लिए भी जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये दुनिया मतलब की है, यहाँ कौन आपके लिए भी है, ये दुनिया मतलब की है, ये दुनिया मतलब की है, यहाँ कौन किसी का होता है। अक्सर वही धोखा देते हैं खुशबू जी जिन पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। क्या बात है, यही दुनिया। अभी तक तो हमें सिर्फ यही पता था कि शिवेश जी एक सिंगर है, आज ये भी पता चला ये एक बहुत अच्छे शायर भी हैं। चलिए, जान के अच्छा लगा। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक चीज़ हमें बार बार हमारे दिमाग में ये सवाल आती थी, जब भी आपके गाने मैं सुनती थी या फिर आपके इंटरव्यूज़ वगैरह भी मैंने देखे हैं, हमारे दिमाग में एक सवाल आता था कि आप हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लेकिन हमेशा हिंदी गानों को फॉलो करते हैं, आखिर क्यों? एक्चुअली इसका वजह है खून खून की बात होती है। हम लोगों का जो खून का मिलावट है ना थोड़ा सा, वो बेगूसराय वाले से, अब बेगूसराय के रहने वाले हैं तो इसलिए मिलावटी असर हिंदी गाने वाले लोग ज़्यादा हैं हमारे, तो वहाँ से हिंदी की जो शिक्षा है वो मिली थोड़ी सी, तो इस वजह से हम लोग हिंदी गाते हैं। ऐसे एक गीत आपके लिए और आपके तमाम दर्शक के लिए और जो रिकॉर्ड कर रही हैं उनके लिए। देखिए क्या है, क्या ना, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करेंगे, भैया जो गाए हैं बहुत अच्छा गाया है उन्होंने, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ, कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है,
मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और बताइए, जब इतना कुछ गाही दिए हैं तो अभी जो मुद्दा हाल फिलहाल में गरमाई हुई है हमारे सारे माहौल में, खासकर बिहार का, मधु जी की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मधु जी की बात में बात करेंगे, उससे पहले हम आयांश बाबू की, जी जी, उससे पहले हम उनको अहमियत देना ज्यादा जरूरी समझेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो प्यार, ये इसको आप गर्म मुद्दा नहीं बोल सकते, मतलब एक हाईलाइट, गर्म तो वो मुद्दा था जो मैंने बोला, और ये जो मुद्दा है वो ऐसा, ये मुद्दा है इसको हम बोल सकते हैं कि महागर्म मुद्दा है, और इसमें हम लोगों को एकता बनाना होगा, और ये हमने नहीं किया तो फिर हमको इस धरती पर जीने का हक नहीं। पूछिए, अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई, बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या होता कि आयांश बाबू के पीछे लोग पड़े। मेरे भाई, एक बात मैं कहना चाहूँगा, मेरे गांव में भोज होता था तो बड़े बड़े लोग भोज करते थे, कहीं गरीब आदमी भोज करते थे। तो एक बार की बात है, मैं जा रहा था एक जगह भोज खाने, भोज खा के जब लौटा तो कुछ मेरे मित्र आ रहे थे उधर से, तो हमसे पूछा गया कि शिवेश भाई कैसा भोज रहा। बोला अरे, मतलब होता है ना आजकल क्या है कि कुछ भी कीजिए तो लोग उसमें हल्का गाली मिला ही देते, जो गांव की भाषा होती, तो गांव में थे उतना पता नहीं था, तो हम भी बोले अरे गाली देके बहुत बेजोर भोज किया, ऐसा भोज इलाका में होता है। एक दिन भोज करने खाने गए, गरीब आदमी, क्या गरीब क्या कहिएगा, वो अमीर है लेकिन वो मास्टर था थोड़ा सा, तो मास्टर समझ में करते हैं, आप तो बहुत समझदार हैं, तो थोड़े कंजूस थे, तो भोज अच्छा नहीं किए पैसा होने के बावजूद भी, तो दोस्त लोग पूछा, हम बोले तो उसको भी बहुत घटिया भोज किया। मतलब कहने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग फोकस करिएगा आयांश बाबू को, कि ये जो मुद्दा है ये महागर्म मुद्दा है, और ये गर्म मुद्दा होता है जैसे तावा पका हुआ है, वो गर्म हो रहा है, शुरू हुआ है गर्म होना, उस पर हाथ दीजिएगा तो हाथ बचा रहेगा, आज थोड़ा भी गर्म होगा तो हाथ में घी लगा लीजिए ठीक हो जाएगा, आए वो महागर्म मुद्दा उस पर हाथ दीजिएगा देखिए बाद जल जाएगा पूरा हाथ, पूरा जल जाएगा, घी देने से ठीक होने वाला बात नहीं है। तो यहाँ ही बात हुआ, ये हो गया घी, महागर्म मुद्दा है, इस पर उंगली मेरा बर्बाद हो जाएगा। इसमें जो लोग ये बोलते हैं कि भाई इतने बच्चे मर रहे हैं गाँव के देहात के 2000-1000 के लिए, तो ये मुद्दा वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा तभी मुद्दा आएगा वो 5000-2000 वाला, सभी बच्चे बचेंगे जब आयांश बाबू को बचाएंगे हम लोग। पहले एक मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है, ये इतना बड़ा बीमारी है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके वजह से इस प्रॉब्लम जितने 2000-1000 वाले जो भी बच्चे मर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम से मर रहे हैं, उनको भी इस मुद्दे में शामिल किया जाएगा बहुत जल्दी। जब ये बच्चा ठीक हो जाएगा तो हमारे बिहार में एकता बनेगी, और एकता बनने के बाद सारे लोग एकत्रित होंगे, और फिर एक ऐसा सिस्टम बनेगा जिससे सारे गरीबों को पर भी ध्यान दिया जाएगा इस बात पर। और बाकी मैं, हमारे सस्तक न्यूज के भैया हैं मनीष कश्यप जी, बड़ी मानते हैं हमको, उन्होंने कहा शिवेश जी भगवान न करे इस बच्चे को कुछ हो जाएगा, भगवान न करे, मैं भी कहता हूँ भगवान न करे उस बच्चे को कुछ हो जाए, वो कृष्ण का साक्षात रूप है जी, देखा, आपने देखा जी, हम मिले भी उनसे, उसकी आँखें क्या कहती हैं, बहुत खूबसूरत, उसका चेहरा, उसका मुखरा क्या कहता है, आप जब सामने बैठेंगे, मैंने उसके मुंह पर कितना चुम्मा लिया क्या बताऊँ आपको, मुझे बच्चे से उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस बच्चे को देखकर पता नहीं दिल मेरा हो रहा था कि उसी के पास बैठे रहें, इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, प्यारा है, तब तो भगवान इतना बड़ा तकलीफ दे दी, आखिर ये सब तकलीफ जो बुरे लोग होते हैं ना उनको नहीं होता है। उस छोटे बच्चे को तो ये जानकारी भी नहीं है, अभी दुनिया मतलब देखा भी नहीं उसने, जानकारी भी नहीं कि बीमारी भी कुछ होता है, उसके माता पिता तो कोमा में चले गए, 16 करोड़ अगर देने की औकात होती उनकी तो आज वो हेल्प नहीं मांगते आपसे, हमसे किसी से हेल्प ही नहीं मांगते, और आज वो एक बदनसीब माँ बाप बन के हेल्प मांग रहे हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहता है 2 रुपया किसी से, अच्छा इंसान जो होगा ना वो कभी नहीं चाहता कि 2 रुपया किसी से मांगना पड़ेगा, अगर अच्छा होगा तो, और जो मांगने वाले होते हैं वो तो लिए दिए जाता पाए पर नहीं पहचानते, अगले दिन फ़ोन करेगा, आप जिस नंबर पर फ़ोन किए हैं वो अभी स्विच ऑफ है लेने वाले,
अच्छा, इस बात में हम आपको ये पूछने के लिए जिक्र किए थे कि आयांश बाबू को लेकर जो चल रहा है मुहिम, खैर सारे लोग हमारे पूरे बिहार के लोग कॉपरेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि अब तो बिहार सरकार भी आ गई है उनके कॉपरेट में, क्योंकि हमारी कल ही बात हुई थी मंगल पांडे जी से, यहाँ पे हमने जिक्र भी किया था, तो उन्होंने कहा बिहार सरकार की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए वो मैं अवेलेबल करवाऊँगा। इसी बीच एक गोलू राजा हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री से ही, उन्होंने कुछ बातों को रखा गलत तरीके से। हमारे अच्छे मित्र हैं गोलू राजा जी, और उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ जो उन्होंने बोला, शायद किस तरह से उन्होंने बोल दिया, उनके मुंह में उनके जिभ्या पर कैसे मतलब माँ सरस्वती सवार हुई और ऐसा शब्द निकाले, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने जो बोला वो गलत हुआ। और एक बात मुझे सबसे बुरी लगी जो मैंने बोला और भी चैनल न्यूज़ वाले को बोला, लेकिन मैं आप सभी लोग दर्शकों से मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ जो उन्होंने बोला, मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने बोला कि शिवेश बाबू, शिवेश भैया कैसे ये बात निकल गई मेरे मुंह से पता ही नहीं चला, अब मैं क्या कर सकता हूँ, स्टेज शो है और लोग इस बात को नहीं, तो कहीं ना कहीं स्टेज के सामने तो हजारों लाखों लोग रहते हैं, तो वहाँ पे तो उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। देखिए प्यार कैसे होता है, प्यार सोच कर होता है नहीं होता है, उसी तरह हो गया ये चीज़, ये बिना सोचे समझे एकाएक जो मन में आया उनको बोल दिए। हमको भी किसी से प्यार हो जाएगा तो उसको देखेंगे आँख कैसा है, नाक बड़ा है कि छोटा है, कि ना कैसे चपका हुआ है, कुछ ऐसा चीज़ देखेंगे, तभी तो वो चीज़ देखने से प्यार वो उस चीज़ से नहीं होता, प्यार दिल से होता है। तो उस इंसान के दिल से उसको जो लगा वो बोला, लेकिन वो गलत था वो बात, तो उनको उन्होंने भी माफ़ी मांग लिया, तो बात ख़त्म है, इस बात को ज़्यादा नहीं उजागर किया जाए, आयांश बाबू के ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि आयांश बाबू हमारे बच जाएँ, और मुझे उम्मीद है कि वो बचेंगे। अभी 7 करोड़ रुपया तो नहीं वो बात है बिहार में, कोई 1 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई लाखों दे रहे हैं, तब ना 7 करोड़ पूरा है। आप कुछ दिए कि नहीं दिए? हमारे तरफ से तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम जहाँ तक इन बातों को मतलब हम अपने चैनल के माध्यम से, वो तो हमू बोले थे कि हम गाना गाते हैं तो गाना माध्यम चैनल पर दे देंगे, नहीं उनसे नहीं होगा, जरूरत पड़ने पे हमसे जो मदद हो सकेगा हमारे चैनल की टीम की तरफ से वो हम जरूर करेंगे, नहीं जरूरत पड़ने पर नहीं, कुछ चुपचाप दे के अपना मन में अपना विश्वास, वो तो करेंगे, वो हम कर चुके हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। क्यों जब तक हम लोग सब चुपचाप, हमको हमने पैसा दिया पता है, बताएंगे नहीं आपको, लेकिन इतना दिया है जितनी मेरी क्षमता नहीं थी, मैंने उतना दिया, लेकिन हमने अभी तक स्क्रीनशॉट भी रखा है, लेकिन वो दिखाने की जरूरत नहीं है लोगों, क्योंकि वो भी दिखाएंगे तो उसमें 10 गाली हमको मिलेगा सुनने को, दिखा रहा मैंने, कहने का मतलब वही बात, हम अगर नहीं दे तो भी कहेगा आप नहीं दिए, क्यों नहीं दिया इतना कमाते हैं, और दे दिए तो भी कहेगा कि दिखा रहा है। दुनिया में एगो बाप और बेटा गया गधा खरीदने अपना सोनपुर मेला, समझे मैडम गौर कीजिएगा, सोनपुर मेला में गए थे वो खरीदने के लिए गधा, और जब वो लौट करा रहे थे ना गधा खरीद के, नया गधा एकदम ताज़ा था, तो बेटा बैठ गया पहले, बोला पापा हम थोड़ा टेस्ट ड्राइव कर लें, तो पापा बोले ठीक है बेटा कर लो, तो बेटा टेस्ट ड्राइव कर रहा था, हाजीपुर पहुँचा तो लोग बोले कितना घटिया बेटा, शर्म से डूब के मर जाओ तो, कि बाप पैदल चल रहा है बेटा गधा पर बैठ के चल रहा है, तो बेटा उतर गया और कहा कि बाप आप ही चढ़ जाइए हम नहीं चढ़े, लोग कैसे कैसे बोलता है, बोला ठीक, बाप चढ़ गया, थोड़ा दूर आगे आया, कहाँ जानते हैं, अपने विद्यापति थोड़ा उधर, वहाँ पहुँचा तो लोग बोले कितना घटिया बाप है, अपने गधा पर चढ़ा है बेटा को पैदल चलवा रहा है, जा रहे साल इतना दिन जिया अब बेटा के लिए कुछ नहीं किया, मर जा डूब कर तुम चुल्लू भर पानी, बेचारा बापो उतर गया शर्म से, बोला ऐसा करते हैं पापा दोनों आदमी कोई नहीं बैठेंगे चलिए पैदल ले जाते हैं, पहुँचा थोड़ा दूर आगे चला तो देखा कि लोग बोला कि देखो ना कितना घटिया बाप बेटा, गधा खरीद के लाया इस बार बैठने वाला कोई नहीं है, कैसा दुनिया आ गया, तब बोलता है बाप बेटा दोनों नहीं पापा अब बहुत हो गई हद, अब नहीं मानेंगे, तब अपना बेगूसराय घुसने वाला था, तब कहता है दोनों बाप बेटा चढ़ गया गधा पर, जब अपने बेगूसराय घुसा इन किया तो लोग बोला कि अरे यार तुम लोग हरा संघ है, लेकिन दोनों बाप बेटा हरा संघ है, तुमको आदमी कुल में पैदा नहीं होना चाहिए था, जानवर कुल में पैदा होना चाहिए, पूछा क्यों दोनों बाप बेटा ऐसा क्यों बोल रहे, तो बोला कि मरल सन गधा पर दोनों चढ़ गया, शर्म नहीं लगता है तुमको, तो मैंने कहने का मतलब ऐसे छुड़िए काम देखिए ये भी छुआ गया, ऐसे छुइए तो ये छुआ गया, मैंने कहने का मतलब इंसान को चैन कहीं नहीं है, कितनों कमा लीजिए आप लाखपति बन जाइए
लाख तो मान लीजिए हम भी कमाए लेकिन पति अभी तक नहीं बने, तो लाखपति कितनों बन जाइए लेकिन वो प्रॉब्लम आपके साथ हमेशा बनी रहेगी, जो दुश्मन आपके होते रहेंगे। अगर मैदान में दोस्त हैं और दुश्मन नहीं है तो मैदान में लड़ने का भी मजा नहीं। बाकी आप बोलिए फिर मैं बोलूँगा। तो शायद आप इससे पहले इतने मजेदार और इंटरेस्टिंग कभी किसी का इंटरव्यू नहीं आज तक नहीं दिया। आप एक्चुअली इसका वजह भी है, हम बताते हैं। अब आप लड़की हैं, लड़की हैं तो आपको सोच सोच के कुछ कुछ मन में आता है, बोल देते हैं, इसका बुरा मत मानिएगा एक दोस्त के माफिक, क्योंकि हम कलाकार हैं, हम लोग थोड़ा इंटरटेनमेंट नहीं करेंगे ना तो लोग देखते नहीं हैं, हम स्टेज पर भजन गाएंगे ना तो हमको लगता है कि 1,000 लोग देख के बंद कर देंगे। अब वही गाएंगे हम, अनुपमा चाहे निशा उपाध्याय चाहे आदर्शी सिन्हा चाहे अदिति राजी कोई भी गाएंगे साथ में तो बड़ी लोग उसको लाइक करता है। अनुपमा कुछ गाएगी तो उसको जवाब देंगे अगर हंसी मजाक के साथ, वो गाएगी कि तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, हमको ऐसे से ठेल के गाएगी कि तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। हम बोले रुको रुको अनुपमा, बोलते क्या? हम बोले कि हर लड़की भी ना प्यार को सीरियस लेती है और 100 में से 90 को धोखा देती है। तो यही इंटरेस्ट है, लोगों को अगर इंटरटेनमेंट नहीं लगे तो फिर क्यों आपका न्यूज़ देखेंगे? अगर हम खाली बोलेंगे और लोग को हंसी ना आए तो फिर कलाकारी नाम पर हमको गर्व नहीं, तब कलाकार होने का कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छी बात कही सुरेश जी ने, और घबराइएगा मत, अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है, आगे और चलेगा। अभी और मजेदार बहुत चीज रखे हुए मन में, इनको देख देख के याद आ रहा है हमको बहुत कुछ कुछ और क्या आगे और चलेगा। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, अब थोड़ा सा फिर करियर पे आते हैं जी। अच्छा, कौन सा ऐसा सिंगर है जो मतलब आप एक सिंगिंग लाइन में गए हैं? हर इंसान जो भी क्षेत्र में रहता है उसका कोई ना कोई इंस्पायरेशन, किसी ना किसी से इंस्पायर होके उसका कोई ना कोई आइडियल पर्सन होता है, तो आपके लाइफ में आपके आइडियल पर्सन कौन रहे हैं? हिंदी में कि भोजपुरी में? दोनों में, हिंदी ज़्यादातर तो आप हिंदी ही गाते हैं तो हिंदी में ही बताएं। नहीं, भोजपुरी हम खूब गाते हैं, भोजपुरी में ही आप मेरा भोजपुरी देखे नहीं हम तक, हम भोजपुरी खूब गाए हैं। स्टेज प्रोग्राम के बारे में देखा है तो हर जगह आपकी हिंदी सॉन्ग्स ही मैंने सुनी। हिंदी भी गाते हैं, भोजपुरी भी गाते हैं, अभी वो महंगाई पर भी गीत गाने वाले हैं, पहले आप कहिएगा तो आपको पहले सुना देते हैं। बिल्कुल, दर्शक भी सुनते हैं और उससे पहले भोजपुरी भी बहुत सारा, लगभग 300 गाना गा चुके हैं। भजन ज़्यादा, भक्ति ज़्यादा है, शक्ति कम है। और शक्ति किसको बोलते हैं? थोड़ा सा जो हंसी मतलब इंटरटेनमेंट वाला सॉन्ग होता है उसको हम शक्ति बोलते हैं। कई सारे, एक दिन हमको एक फ़ोन आया, एक थोड़ा सा सेक्सी गाना हल्का गाए थे भोजपुरी में, तो था अच्छा गाना वो है, लेकिन एक लोग फ़ोन किया कि हेलो सुरेश जी बोल रहे हैं। बोले जी सर। सर प्रणाम। हम बोले प्रणाम प्रणाम। तो सर आप जो गाना गाते हैं आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? हम बोले जी हैं, एक माँ ही है, बस बहन नहीं है, एक्चुअली है भी नहीं माँ। तो आप जो ऐसा गाना गाते हैं सो बताइए आपको सोच नहीं है क्या? हम बोले कौन गाना भैया आप गाए हैं? तो वही जो आप गाए हैं, ये वाला गाना। बोले वो वाला गाना तो गाए हैं तो ठीक है, तो आपको लगता है ठीक है, हमको ठीक नहीं लगा। हम बोले जब आपको ठीक नहीं लगा तो आप खोल के देखे क्यों? इसका मन है आपके मन में पाप है, तब ना आप देख रहे हैं। अगर आपके मन में अच्छा ही होता आप देखते। मेरा भजन भी बहुत सारा है, भजन सुनिए, दिल खुश रखिए, सुबह शाम भजन मेरा सुनिए। अगर वो देखते ही नहीं तो फिर उन्हें पता कैसे चलता कि अच्छा है या गलत? वो तो पहले ही ऊपर लिखा रहता है ना, ये गाना है, सीन भी रहेगा, लड़की को पकड़ के रहेगा ऐसा नहीं, तो लड़की अलग रहती है समझिए बढ़िया गाना, और लड़की सती हुई है समझिए खराब गाना है। अगर वही देखना है अगर तो वो मेरा कहने का मतलब, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं डायरेक्टली कि पब्लिक जैसा देखना चाहे वो वैसा ही देख। जैसा देश वैसा भेष, एगो दूगो सुगा बिक रहा था, एगो चोर खरीदा, एगो साधु ले गया उस सुगा को, दूगो सुगा था आप बेच रहे थे, एगो सुगा चोर ले गया, एगो साधु ले गया, हमने ऐसा साधु ही को ले चला गया, एगो चोर लेके चला गया, तो चोर उस साधु बेचारा 6 महीना रुका, 6 महीना के बाद सोचा कि दोनों सुगा बेचे थे, बहुत मेरे प्राण से प्यारा था। देखने जाते हैं दोनों आदमी के यहाँ कैसा कौन व्यवहार में है। सबसे पहले चोर के यहाँ गया, तो चोरबा के यहाँ जो जैसा चोरबा सब गाली देता था एक दूसरे को, तो सुगा आया महात्मा जी को देख के वो गाली देने लगा पूरा साधु को देख के, वो थोड़े पहचान रहा 6 महीना हो गया, वो गाली देने लगा। तो बेचारे साधु माथा बहाथ रख के बोले कि जा भगवान कहाँ सुगा को पहुँचा दे, तो बड़ा गाली उली देता है। तब कहे कि अच्छा ठीक है अब जाते हैं महात्मा के यहाँ। वहाँ गए बेचारे, तो वहाँ कहा सीताराम सीताराम आइए भगवान बैठिए, आइए कुछ कुछ खा लीजिए, कुछ पी लीजिए, पानी पीजिएगा। सुग्गा बोला, बेचारा धन्य हो गया। तो जैसा देश वैसा वैसे, जहाँ रहोगे जैसा रहोगे, संगत से गुनात है, संगत से गुंजात है, जिसके साथ रहेंगे वैसा संगत आएगा, वैसा
व्यवहार विचार आएगा। चलिए अब जब सारी बातों का खुलासा कर ही दिए हैं तो आ जाते हैं आपके गर्म मुद्दे पे। क्या लगता है कि ये जो हुआ है हरकत, मैं ये नहीं कहती कि मधु जी गलत है, मैं ये भी नहीं कहती कि वो लड़का गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिसफॉल्ट आ रहा है, सिस्टम बहुत गलत है, जिसकी वजह से ये इतना कुछ हो रहा है। और वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग शुरू से ही अश्लीलता को लेकर मतलब कहते आए हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लील गानों का भंडार है, या फिर यहाँ पे मतलब बहुत सारी अश्लील हरकतें की जाती हैं। और इसी बीच अगर इस तरह के वारदात होते हैं तो कहीं ना कहीं वो भोजपुरी समाज को बहुत इफेक्ट हमको करता है। हमको भोजपुरी में अश्लील लगबे नहीं करता है, पूछिए क्यों? हमको भोजपुरी में अश्लील इसलिए नहीं लगता है कि भोजपुरी अश्लील नहीं है, उसको सुन के सोचने वाले लोग अश्लील हैं। वो गाना दो दो मीटर से बनाया जाता है भोजपुरी, जिसमें अच्छाई भी है बुराई भी है। नज़रिया आपको सोचना है, आपको हम बहन भी बना सकते हैं, आपको सोचने पर गर्लफ्रेंड भी बना लेंगे, आपको सोचने पर दोस्त भी बना सकते हैं। नज़रिया तीन है ना, आप ही बहन हैं, आप ही बेटी हैं, आप ही माँ बन सकती हैं। तो आप किसी न किसी के तीनों रूप में हैं, आप भाभी के रूप में भी आ सकती हैं ना। तो रूप नज़रिया लोगों का है, आप कैसा सोचिएगा। अब कहते हैं कि भोजपुरी लहंगा पर है, लहंगा पहन लेती है लड़की सब और तब डांस करती है। तो भाई आपको बताएं कि बॉलीवुड से अच्छा है अपना भोजपुरी। हम हिंदी गाते हैं लेकिन आज हिंदी का बुराई कर देते हैं आपको, हिंदी का बुराई भी नहीं करेंगे। आप देखिएगा टीवी पर, देखते हैं टीवी, तो आप देखते हैं न्यूज़ रिपोर्टर हैं, टीवी जब चलता है तो उसमें देखते हैं हाफ हाफ पैंट पहन के लड़की आती है, देखें कभी? आपके घर में बच्चे भी देखते हैं, लेकिन भोजपुरी में देखते हैं कि टीवी पर हाफ पैंट पहन के आती है, नहीं आएगी जल्दी लड़की, उसमें लहंगे में रहेगी। हाँ, अब कुछ ऐसा ऐसा है भोजपुरी में, अब मान लीजिए मधु त्रिशाकर का वीडियो वायरल हुआ, तो उसमें गलती उनकी भी है, प्यार है। कौन ऐसा इंसान है जो इस प्यार से बचा हुआ है? जब भगवान नहीं बचे हैं तो इंसान कैसे बचेगा? कृष्ण भगवान की 1000 पटरानियाँ थी, हम सोचते हैं 100 को पूरा दें, हैं 1000 पटरानियाँ थी उनकी। अब मान लीजिए कि ऐसे इंटरटेनमेंट होता है, जो दोस्ती करेगी उसी से हम दोस्ती करेंगे ना, जो नहीं दोस्ती करेगी तो उससे क्यों दोस्ती करेंगे। कोई लड़की, कहीं ना कहीं लड़की लड़का दोनों दोषी होता है। सरकार लड़की को मान्यता देती है, आप लड़की कि लड़की की तरफ से पहले सुना जाएगा, लेकिन आप बताइए क्या ये सच्चाई है कि लड़की की गलती नहीं होती है? नहीं, गलती तो कहीं ना कहीं दोनों की होती है, क्योंकि कहावत है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर अगर कोई अगर कोई लड़का है लेकिन जो प्यार किया और उस लड़की के साथ गलत हो जाता है, वो लड़की मान लीजिए उससे शादी करना चाहती है, लड़का नहीं करना चाहता, तो जब आपको ये सब चीज़ पहले माता पिता का ख्याल रखना चाहिए ना कि ये चीज़ करने जा रहे हैं आगे क्या होगा नहीं होगा। आप पहले सोचते नहीं हैं और झट से सोचते हैं कि कर लें और फिर उसके बाद शादी कर लें, तो वो अगर मुकर गया तो गलती आपकी भी है। अगर लड़की मुकर जाती है तो लड़का की गलती, लड़का मुकर जाता है तो लड़की की गलती, दोनों की आपसी गलती है इसमें, न लड़की की गलती है न लड़का का, और गलती है तो दोनों की। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, हम उसको छोड़ दिए, तो आप आखिर वो लड़की हमसे प्रेम क्यों की? कुछ ना कुछ तो लोग होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में होता क्या ना कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अभी राजनीति चल रहा है, कोई भी लोग अगर आगे बढ़ना चाहता है तो कुछ लोग कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं या फिर कुछ वारदात ऐसी हो जाती है कि वो ऐसा नहीं कर पाते। तो इस मतलब जो अभी हुआ है वारदात मधु त्रिशाकर को लेकर, तो इसमें आपको क्या लगता है कि आखिर रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ ना कुछ देखे हैं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं है, है, लेकिन हम भी देखे थे तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा। हम सोच रहे थे वीडियो करेंगे उनके साथ, मधु जी के साथ, बड़ी स्मार्ट हैं, एकदम क्यूट लगती हैं देखने, लेकिन जब वीडियो देखे तो हमको लोग बोला, डायरेक्टर मेरा पूछा, बड़ा मधु मधु करते थे, करिएगा वीडियो? हम बोले हाँ क्यों नहीं करेंगे, कलाकार है भाई। अब उसका वीडियो कोई वायरल कर दिया, वो पर्सनली लाइफ की वीडियो है, ऐसा नहीं कि कोई इंडस्ट्री से आदमी किया, वो पर्सनल लाइफ के उनके कोई हैं, उनके बॉयफ्रेंड हैं। अब उन्होंने वायरल क्यों किया, पैसा लेके किया, हम तो कहते हैं मधु जी को कि वायरल कर दिया तो उस पर आप एक्शन लीजिए, क्यों किया? और अगर आप भी गलत हैं, जान के वायरल किए हैं, तो फिर तो हम दोनों आदमी प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तब हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं, कटाक्ष नहीं, क्योंकि कौन इंसान दूध का धुला है आज के ज़माने में? कोई बोल दे कि हम दूध के धुले, नहीं मान सकते हैं। कहीं ना कहीं सब कोई चोरी से, कोई सीना चोरी से गलत हर इंसान करता है, और वो गलत हम नहीं बोल रहे, कोई भी गलत किसी से चोरी कर लिया, कोई कौन इंसान होगा जो चोरी नहीं किया होगा बचपन से आज तक? हर कोई चोरी करता है, और कोई कोई चोरी करके पिस्टल ले खड़ा हो जाएगा, अरे मारिए देंगे, चोरी किया क्या कर लेगा, तो सीना चोरी हो गया, वो भी होता है, दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी चीज़ आपको लगती है जो कि बदलनी चाहिए? बड़ा बढ़िया प्रश्न किए हैं आप, दिल खुश हो गया। इसमें है सबसे बदलनी चाहिए तो एक ही चीज़ बदलना चाहिए लगता है, इसमें थोड़ा सा वो जो बोले आपकी अश्लील गाना,
उसमें कुछ ज़्यादा कहीं कहीं कुछ लोग कुछ कलाकार हैं नाम नहीं लेंगे तो भी हमको गाली उली देने लगेंगे। भाई प्रणाम करो, सब लोग को प्रणाम, जो खुश हैं उनको प्रणाम, जो दुखी हैं उनको प्रणाम, और जो सब ज़्यादा हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रणाम। कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैं जो भी गंदा गाते हैं, साफ अपशब्द गाते हैं, जिस पर डांस ज़्यादा होता है, अपशब्द गाले गाना वाले गाना पर आप देखिएगा कि अक्सर गाँव में महिलाएं भी खूब उस पर डांस करती हैं। अक्सर एक अब्द नाम ले लेते हैं, वो अवधेश प्रेमी, वो गाना गाते थे बड़ा कौन कौन झटके फटके क्या कहाँ जिस डर तो बोली हो नहीं सकते हैं उसको, वो सब गाना गाते हैं। अब उस गाना पर देखें हम कई जगह की महिलाएं, औरतें, महिलाएं, लड़कियां, लड़के सब मिल के डांस कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आता वो डांस कर रहे हैं। ये तो अगर उन दर्शकों को समझ आ जाए तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। और बाकी भोजपुरी बहुत अच्छा है, वीडियो अच्छा आता है, वीडियो बल्गरिटी नहीं है उतना, आपके ऑडियो में बल्गरिटी है, ये हर कोई बोलते हैं आपके भोजपुरी को, तो ऑडियो में बल्गरिटी नहीं दीजिए आप, और बाकी अच्छा शब्द दीजिए जिससे कि हमारी माँ आपकी बहन हमारी बहन सब कोई सुन सके। ऐसा ना दीजिए बल्गरिटी कि अपने माँ बहन को काठ का बनाकर आपको छोड़ देना पड़े। और लास्ट और आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आपको लेके, कि अभी तो फिलहाल आप सिंगर हैं, गायकी करते हैं, स्टेज प्रोग्राम में तो खैर फेमस ही हैं, इसके अलावा आपका करियर इसी ओर रहेगा या कहीं और रुख बदलेगा? अपने भोजपुरी में जो एक कहावत है कि जो सिंगर बनता है वही हीरो बनता है, हीरो वाला शरीर वो जिम उम तो कर रहे हैं, इधर कुछ 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 बना है हल्का फुल्का, बहुत दुबले पतले थे हम, इधर आके थोड़ा ये सब बना है मसल्स वगैरह, इधर अंदर अंदर बना है, मारते हैं डिप्स, पहले एक बार नहीं होता था, एक बार गिर जाते थे, अब 20 बार मार देते हैं, धीरे धीरे 200 बार होगा मेहनत करने से। मेहनत करिए, आगे बढ़िए, इंसान मेहनत करता रहता है आगे बढ़ता है। अभी कुछ कुछ मिला है अपॉर्चुनिटी वगैरह, एक फिल्म है पारिवारिक, दो फिल्म का ऑफर आया हमको, जिसमें अभी खुलासा नहीं करेंगे क्या है नहीं है, क्योंकि हो सकता है कह दें कि हीरो प्रॉब्लम रहेगा, नौकर वाला मिल जाएगा छोड़ेंगे भी नहीं, वो भी करना है, नौकरों वाला मिल जाएगा सोचेंगे कर लेना, छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी काम दोस्तों। अगर आप इंजीनियरिंग करके अगर आपको 10,000 की नौकरी मिला कर लीजिए, हर 5 पकड़िए उसको, क्योंकि अगर छोड़िएगा वो नहीं मिलेगा। आज जमाना बड़ा खराब हो गया। हाँ बोलिए आगे बैठो। चलिए मतलब आपका आगे हीरो बनने का कोशिश है आगे अभी? अच्छा, आपको लगता है हीरो बन पाएंगे? देखिए तो सॉलिड बॉडी है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं, चेहरा मोड़ा बिल्कुल बन सकते हैं, दाढ़ी वाढ़ी साथ साथ सेटअप करना पड़ेगा और अच्छे से अब बन सकते हैं, जब इन्होंने कहा तो जरूर बनेंगे, और आपका बाकी आशीर्वाद प्यार रहा आप लोगों का तो जरूर बनेंगे। अभी भी आए हैं और जिस दिन हीरो बनिएगा उस दिन भी आएंगे आपसे मिलने एकदम, और इससे भी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग इंटरव्यू लेके आएंगे उस दिन जिस दिन सिवेश जी एक अच्छे एक्टर के रूप में भी मिलेंगे। अभी तक तो स्टेज शो करते हैं जिसमें वो अव्वल हैं, सिंगिंग भी करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, और अब इनकी तैयारी शुरू हो गई है एक्टर बनने की, तो वेट करेंगे हम लोग उस दिन का जिस दिन ये एक्टर के रूप में हमें दिखेंगे। बहुत जल्दी अच्छे एक्टर के साथ जो भोजपुरी के सिरमौर हैं उनके साथ देखिएगा आप। थोड़ा ये नाम बता दीजिए कि आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस भी हैं जिनके जो लोग सबके दायरे में घिरे रहते हैं वो भी हैं, और एक्टर भी हैं, नाम नहीं लेंगे काफ़ी है सब। इसलिए बोलते हैं कि हर किसी का निजी जीवन होता है, किसी के निजी जीवन में किसी को इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। कोई कुछ कर रहा है उसके पीछे लोग आजकल क्या है ना कि आप कुछ करिएगा ना तो लोग आपके पीछे दिमाग में अरे देखो ना वैसे से कर रही है, वैसे से कर रही है, वैसे से कर ली है, ये नहीं सोचता कि पहले अपने चरित्र पहले अपना यहाँ जो फूला हुआ उसको नहीं देखेगा, दूसरा फूला हुआ तुरंत दिखा देता कि उसका फूल गया, आईना देखना नहीं चाहता है लोग, इसीलिए दूसरे का मुंह देख के कहता है वो ऐसा गड़बड़। पहले खुद को देखिए, खुद को संभालिए, दूसरा तो समझ चुका है, खुद पर जो अगर छत छाया आप अपनी बनाकर रखेंगे तो आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकते हैं, और दूसरे पर नजर देने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, खुद को देखिए। अंत और आखिरी में एक प्यारा सा सॉन्ग दर्शकों की आप दर्शकों को डेडिकेट करना चाहेंगे? हाँ, ये गाना एक उस पगली के लिए गाएंगे जो पगली बाकी समझदार सब लोग कि बिरहा वियोग में तू जाजे लुकी ना हो, कि बिरहा वियोग में तू जाजे लुकी ना हो, एगो पगली के याद तू करलू कि ना हो, एगो पगली के याद तू करलू कि ना हो,
कि बिंदिया बाली चूरी लहठी रोवेली बेचारी हाथ के में हदिया देले काटी काटी गारी कि बिंदिया बाली चूरी लहठी रोवेली बेचारी हाथ के में हदिया देले काटी काटी गारी कि सिरियम सिवेश हम पे मरे लकिना हो कि राज देवा हम पे मरे लकिना हो एगो पगली के याद तू करे लकिना हो एगो पगली के याद तू करे लुकिना हो कि बिरह वियोग में तू जादे लुकिना हो एगो पगली के याद तू करे लुकिना हो एगो चंदा के याद तू करे लुकिना हो। बहुत खूब, ये तो हो गई यहाँ से आके रुलाने वाली बात, जाते जाते दर्शकों को रुलाना नहीं चाहिए और आप हंसने हंसाने वाले लोग हैं और दर्शक भी शायद आपको हंसते हुए देखना पसंद करेंगे। दर्शक तो हंसते हुए पसंद करते हैं लेकिन कभी कभी दिल में लहर उठती है तो इंसान उसको दर्शक के सामने ही बयां करेगा क्योंकि हमारे दर्शक तो भगवान हैं, वही लोग हैं जिनको हम लोग कुछ बोल पाते हैं, कुछ समझा पाते हैं, कुछ बता पाते हैं, अपनी परेशानियों को साझा करते हैं इन लोगों के सामने जो भी हैं आप ही लोग सब कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे शिवेश मिश्रा, बिहार भोजपुरी इंडस्ट्री के अच्छे कलाकारों में से एक माने जाते हैं और स्टेज की बात तो मैंने पहले ही कही कि ये बहुत अच्छे स्टेज परफॉर्मर बोलिए आप उनको, एंकर बोलिए, जो भी बोलिए, अभी तक हमने देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत सारे स्टेज, बहुत सारे बड़े स्टारों के साथ भी इन्होंने स्टेज साझा किया है और आगे ये एक्टर बनेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ आप भी इंतज़ार कीजिए उस दिन हम फिर से आए फिल्म और जब आएगा इनका एक अच्छा सा धमाकेदार और इंटरेस्टिंग। और वो भी जो फिल्म बनने वाला है, मैं इतना खुलासा कर देता हूँ कि वो फिल्म भोजपुरी के ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ बनने वाला है जो हिंदी में भी काम कर चुके हैं बहुत सारे फिल्म में, और कौन सा है जी इसमें, साउथ में भी कर चुके हैं, भोजपुरी में बहुत सारे में कर चुके हैं। तो आप दिमाग लगा लीजिए, बस कोशिश है महादेव की हो जाए, जल्दी से परिपूर्ण हो जाए तब लाएंगे इस चीज़ को सामने। अभी बस इतना ही काफ़ी है, आशीर्वाद दीजिए, आप लोग प्यार दीजिए। आई लाइव लॉन्ग न्यूज, लाइव लॉन्ग जो है मतलब लाइव लॉन्ग नाम क्यों पड़ा पता है आप लोगों को, लाइव लंबा, जितना देर बातें हुई हमारी आपकी वो लंबा करके इस वीडियो को बनाया गया, इसलिए इनका नाम है लाइव लॉन्ग न्यूज, जितना ज़्यादा हो सके। अब जैसे गाना ही गाना है तो एक लाइन गा के छोड़ दी वैसा नहीं, गाना मैंने देखे इनका अंत तक में गाना पूरा गवा के ही छोड़े, मतलब लाइव लॉन्ग का मतलब यही हुआ। और इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और क्या, और इंतजार कीजिए अगले इंटरव्यू के लिए, और इंतजार कीजिए धमाकेदार इंटरव्यू के साथ आप सभी से मिलेंगे। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत।